हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने साथ हुए रंग भेद पर बयान देकर सनसनी मचा दी थी। इस बयान में वो साफ तौर पर अपनी पैरवी करते नजर आ रहे थे। बॉलीवुड में अपने रंग को लेकर उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, ये सारा मामला नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म बाबूमोशाय बंदूकबाज की शूटिंग के दौरान खड़ा हुआ था, जब फिल्म एक्ट्रेस चित्रांगना सिंह ने ये फिल्म करने से मना कर दिया और उनके फिल्म को बीच में छोड़ने के पीछे ये वजह बताई गई क्योंकि नवाजुद्दीन का रंग काला है और उनकी पर्सनालिटी बाकी फिल्म एक्टर्स के सामने कमतर है, इसलिए चित्रांगना उनके साथ काम नहीं करना चाहती। ये फिल्म बोल्ड कंटेंट को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रही और सेंसर बोर्ड ने इसे करीब 50 कट लगाने के बाद रिलीज की अनुमति दी है। सीन काटे जाने पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। अब जब सेंसर बोर्ड का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट खत्म हुआ है तो रंगभेद का मामला फिर उठा है। इस मामले में चित्रांगना सिंह अब खुलकर सामने आ रही हैं। चित्रांगना ने स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी और अस्मिता से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि इस बात को बेवजह रंगभेद का मामला बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने फिल्म इसलिए छोड़ी थी क्योंकि प्रोड्यूसर कुशन नंदी और नवाज ने जानबूझकर चुंबन के सीन्स को 52 टाइम्स रीटेक दिया था, जबकि पहली बार में ही सीन ओके था। चित्रांगना ने यह भी कहा कि ये टॉर्चर था और मेरा अधिकार है कि गलत बात का विरोध करूं और वो मैंने किया, जिसके कारण उन्हें सेट पर ही इन लोगों ने जलील किया। अब सच क्या है और झूठ क्या है साफ नहीं हो पाया है, पर इस बयान से कई लोग चित्रांगना के पक्ष में उठ खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।